सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है, जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है, वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूं। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूं कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूं आज से। मैं चाहती हूं कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज ना फेस करनी पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठ के, तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मार रहे हैं देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये, हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूं कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण, आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूं, दावे से कह सकती हूं कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदय बान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पर लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें पता लग गई कि
जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई, उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके, एक एक करके बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो, जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था, तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पर आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं, प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी, बहुत इमोशनल चीज है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था, नहीं, मैंने आपको जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है, ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी, उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी, बिल्कुल। धन्यवाद। विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी के टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पाली की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी टिकट पीसी में डिसाइड करना चाहिए। पवन जी एक सवाल इधर से, पवन जी आ रहा है, वहां भी आ रहा है।
विनेश जी, दो सीट अभी जो कयास लग रहे हैं वो दो सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी, अगर इन दो सीटों में ये सवाल ये सवाल आपको शाम को कल जब भी टिकट आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है, दोनों। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है।